के बीच परीक्षा का भी टेंशन बच्चों के लिए सिरदर्द बन गया है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री सामने आए, राज्यों के साथ केंद्र सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद ये फैसला किया गया। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री व मोदी सरकार के बीच हुई अभी बैठक के माध्यम से बहुत ही बड़ी खबर का ऐलान कर दिया गया, जिसको सुनते ही छात्र खुशी से लोटपोट हो जाएंगे। आपको बता दें, इस बार की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेंटर जारी किया गया और कहा गया है कि इस बार की बोर्ड की परीक्षा शो केंद्र होंगी, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं, सभी की बोर्ड की परीक्षा उनके ही स्कूल में होगी। तो क्या कुछ बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, सब कुछ बताएंगे। चाहे आप यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी हो, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, किसी भी बोर्ड से संबंधित बोर्ड के परीक्षार्थी हो, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। तो आप सभी को करना क्या है, सिंपली आप किस बोर्ड व राज्य से बिलोंग करने वाले छात्र छात्राएं, आपको कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड व राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताना है, जिससे आपके बोर्ड व राज्य से जुड़ी खबर जब भी हमें सबसे पहले मिलती है तो हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस बार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सरकार भी सख्त हो गई, और सरकार ये नहीं चाहती कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में करना पड़े, जिसके मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बहुत ही बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिसको जानना छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों आप सभी को बता दें, बोर्ड परीक्षा को सरल व सटीक बनाने के लिए बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव आपके पेपर पैटर्न को लेकर किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार का साफ कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही एक ब्लूप्रिंट पेपर जारी किया जाएगा, जिसमें पेपर में कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे संपूर्ण जानकारी दी हुई होगी, और इसी के साथ सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर भी बोर्ड परीक्षाओं के 3 दिन पहले ही जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंदर संपूर्ण जानकारी दी हुई होगी कि पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार का पैटर्न होगा, संपूर्ण जानकारी उस ब्लूप्रिंट पेपर में दी हुई होगी, जिससे सभी छात्रों की बोर्ड परीक्षा बहुत ही आसानी से हो। अब बात कर ले दूसरे सबसे बड़े बदलाव की, तो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव सेंटर को लेकर किया गया। इस बार सेंटर बहुत ही ज्यादा दूर नहीं जाएगा, यानी कि सेंटर स्वकेंद्र रहने वाला है, नजदीकी सेंटर दिया जाएगा और मैप में भी आप उसको। अब बात कर ले तीसरे सबसे बड़े बदलाव की, तो तीसरा सबसे बड़ा बदलाव आपके क्वेश्चंस को लेकर रखा गया है। बोर्ड परीक्षा के लिए सरकार ने साफ कह दिया है कि इस बार केवल सरल सरल क्वेश्चंस को ही रखा जाएगा, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को ज्यादा बोर्ड परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आसानी से वो क्वेश्चन याद कर सके। इसी प्रकार से सभी बोर्डों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। धन्यवाद।